नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટેન્ડર્ડ ફર્સ્ટ, સબ્જેક્ટ એન્વાયરમેન્ટ, ચેપ્ટર નંબર 18, સેફ્ટી એટ હોમ એન્ડ સ્કૂલ. હેલો સ્ટુડન્ટ, ગુડ મોર્નિંગ, હાવ આર યુ? આઈ હોપ યુ ઓલ આર ગુડ, ફિટ એન્ડ ફાઇન. સ્ટેન્ડર્ડ ફર્સ્ટ, સબ્જેક્ટ એન્વાયરમેન્ટ. વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન ચેપ્ટર નંબર 18, સેફ્ટી એટ સ્કૂલ એન્ડ એટ હોમ, રાઈટ? સો डियर स्टूडेंट, लास्ट वी ऑल हैव सीन मैनी प्रीवियस वीडियो एंड लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने लर्न किया कि हमें कौन कौन सी थिंग्स है उसे टच भी नहीं करना है और उसको हमें कभी भी यूज़ नहीं करनी है, राइट? तो मैंने ब्लेड, सीजर्स, फिर नाइफ, ऐसी बहुत सारी थिंग्स है वो बताई थी, राइट? एंड आगे हम देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 84, राइट? 84 पेज नंबर पे देखो, यहाँ पे देखो, प्लेइंग विथ फायर्स इज डेंजरस, राइट? प्लेइंग विथ फायर इज डेंजरस, ओके? यहाँ पे पिक्चर्स में दिखा रही हूँ, देखो ये पिक्चर्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, राइट? तो ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, ऐसे बहुत सारे पेपर्स है उसको मैच स्टिक से ये बर्न कर रहा है, राइट? तो अगर ये बहुत सारे ज़्यादा पेपर है तो इसे बर्न करने से आपकी हैंड्स है, दोनों हैंड से वो भी बर्न हो सकते हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस है, ऐसे आपको कभी भी नहीं करना है. बहुत सारे जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं, रोड पे बहुत सारे ऐसे पेपर्स पड़े होते हैं ना, तो उसको इकट्ठा करते हैं और उसे फिर बर्न करते हैं. लेकिन जैसे ही एयर चलती है तो ये सारा उड़ता है और आपके क्लॉथ पे भी आ सकता है और आपके हैंड्स है वो भी बर्न हो सकते हैं. तो कभी भी आपको ऐसी डेंजरस है वो एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, राइट? सो प्लेइंग विथ फायर्स इज डेंजरस एंड टेक प्रॉपर केयर वाइल लाइटिंग अ मैच. आपको मैच बॉक्स मैंने दिखाई थी ना, ये मैच बॉक्स देखो, ये मैच बॉक्स को कभी भी यूज़ नहीं करना है ऐसे, हाँ, राइट? तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो गैस स्टोव होता है ना, तो उसको लाइटर से जलाना शुरू कर देते हैं, मम्मी उसकी प्रेजेंट ना हो किचन में तब. तो ऐसा मत करो, इससे बहुत सारा एक्सीडेंट हो सकता है और पूरा जो आपका हाउस है वो बर्न हो सकता है. इसीलिए ऐसी डेंजरस जो थिंग्स है उसे आपको दूर रहना है, राइट? एंड वी शुड नॉट प्ले नियर अ लाइटेड स्टोव और गैस बर्नर, राइट? मैंने अभी आपको बताया ना कि बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे होते हैं कि उसको लगता है कि ये तो बहुत ही इजी है, रोज मम्मा है वो क्या करती है, किचन में लाइटर का यूज़ करती है और वो गैस ऑन करती है, गैस ऑफ करती है. लेकिन मम्मा को पता है कि कब गैस ऑन करना है और ऑफ करना है, लेकिन आपको तो पता नहीं होगा, हाँ? तो ये बहुत ही डेंजरस होता है, तो आपको कभी भी उसके नियर भी नहीं जाना है और ऐसे लाइटर से गैस ऑन ऑफ भी नहीं करना है, राइट? तो यहाँ पे देखो, ये दोनों गर्ल, ये पिक्चर्स आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, ये दोनों गर्ल्स है, देखो ये कहाँ पे खेल रही है, किचन में. किचन में कोई खेलता है? नो, किचन में खेलना नहीं चाहिए, हमें तो प्ले ग्राउंड में ही खेलना चाहिए, राइट? तो ये दोनों गर्ल है वो कहाँ पे खेल रही है, किचन में, और उसके नियर में क्या है, देखो गैस बर्नर है ना, हाँ? तो ये गैस बर्नर, ये दोनों ऐसे खेल रही है तो एक दूसरे ने कभी भी गर्ल्स को पुश कर दिया, ऐसे धक्का लगा दिया, तो ये बर्नर पर भी तो गिर सकते हैं ना. और ये बर्नर देखो ऑन है, देखो यहाँ पे फायर्स है वो हमें दिख रहा है, ये यूटेंसिल में कुछ पक रहा है, तो ये बर्नर है वो चालू है और ऐसे दोनों गर्ल है वो खेल रही है. तो ऐसे खेलना है वो सेफ नहीं, उसे अनसेफ बोलते हैं. तो ऐसी अनसेफ है वो हमें एक्टिविटी नहीं करनी है, राइट? तो आपको कभी भी किचन में प्ले नहीं करना है और ऐसे बर्नर, जब गैस बर्नर है वो ऑन है तो हमें उसके नियर भी नहीं जाना है, राइट? ओके, तो हमने ये बात देखी. एंड वी शुड नॉट टीज एनी एनिमल्स. मैंने बहुत बार आपको बताया है कि किसी भी पीपल एंड किसी भी एनिमल को हमें टीज नहीं करना चाहिए. टीज करने का मतलब है चिढ़ाना, उसको चिढ़ाना नहीं चाहिए. अगर कोई आपको चिढ़ाए तो, आपको परेशान करे तो,
आपकी हैं आपके बाल है वो खींचने लगे, आपको हैंड में ऐसे कुछ भी करने लगे, तो आप क्या करोगे? हाँ, आपको अच्छा लगेगा? नो, नहीं अच्छा लगता ना। तो हमें भी ऐसे किसी भी पीपल एंड किसी भी एनिमल को टीज नहीं करना है। यहाँ पे पिक्चर्स देखो आप, हाँ ये बॉय है वो कैसे कर रहा है इसी कैट को, ऐसे करना चाहिए? ये सेफ है? नो, यह सेफ भी नहीं है और प्रॉपरली ऐसे करना भी नहीं चाहिए किसी एनिमल को। हाँ, हमें कोई करे तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम किसी भी एनिमल को ऐसे टीज करेंगे तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, राइट? तो आपको ऐसे कभी भी नहीं करना है। एंड इफ लीव अवर बुक्स एंड टॉयज ऑन द फ्लोर, बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जो अपनी थिंग्स है वो ऐसे ही फ्लोर पे छोड़ के चले जाते हैं, अपनी बुक्स वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। हम ऐसा नहीं करना है। जब भी हमारा होमवर्क है वो कंप्लीट हो जाए तो हमारी बुक्स, हमारी पेंसिल, हमारे सारी जो थिंग्स है वो हमें स्कूल बैग में अच्छे से रख देनी है प्रॉपरली। और स्कूल बैग है उसकी जहाँ पे भी प्लेस, आप जहाँ पर भी स्कूल बैग रखते हो वहाँ पे प्रॉपरली रख के आना है। और अपने टॉयज है, आप अपने बहुत सारे चिल्ड्रन है वो घर पे ऐसे खेलने लगते हैं, स्कूल बैग ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर टॉयज भी छोड़ देते हैं। हाँ, तो ऐसे टॉयज को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। टॉयज है वो आप यूज़ कर लिया, आपने खेल लिया, तो उसकी जो प्रॉपरली सीट है, उसकी प्लेस है वहाँ पे रख देना है, ताकि आप उस पर आपका पैर आ जाए और आप गिर ना जाओ, राइट? यहाँ पे ऐसे ही कुछ हो रहा है। देखो ये गर्ल है वो बहुत ही नॉटी है, उसने अपनी बुक्स और अपने टॉयज है वो प्रॉपरली उसकी प्लेस पे नहीं रखे है और फिर वो ऐसे चल रही थी तो उसके पैर में ये टॉप है देखो आ गया और ये ऐसे गिर गई। फिर गिर गई तो उसके हैंड्स में उसे लग जाएगी और उसकी बैक पे भी उसे पेन होगा, क्योंकि गिरने से बैक और ये हैंड्स और लेग्स में उसे लग जाएगी, राइट? तो आपको कभी भी अपने टॉयज एंड आपकी स्कूल बैग में बहुत सारी जो बुक्स होती है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सारी अपनी प्लेस पे ही रखना है और उसके यूज़ करने के बाद उसकी सीट पे रख देना है, राइट? एंड वी शुड नॉट सोलो एनी मेडिसिन, राइट? बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन होते हैं कि घर में मेडिसिन पड़ी है, तो ये उसके ग्रैंड पेरेंट्स की भी हो सकती है और पेरेंट्स की भी हो सकती है, या ऐसे ही पड़ी हो घर में, तो कभी भी आपको ये ईट नहीं करनी है, यानी खा लेनी नहीं है, राइट? कभी भी नहीं खानी है। ऐसे आपको रिएक्शन आ सकता है क्योंकि वो किस चीज़ के लिए है वो आपको पता नहीं है, तो आपको ऐसे यूज़ नहीं करना है, राइट? एंड विदाउट आवर एल्डर्स और डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर और अपने पेरेंट्स की एडवाइस के बिना कोई भी मेडिसिन या लिक्विड आपको यूज़ नहीं करना है, राइट? यहाँ पे पिक्चर्स देखो, ये पिक्चर्स है, देखो ये गर्ल है और उसके हाथों में पानी का ग्लास है और टैबलेट्स एंड ये सिरप है, राइट? तो ये सिरप है वो उसको खांसी के लिए दिया गया होता है, लेकिन जब भी आपको कोई डॉक्टर है वो एडवाइस देता है तभी आपको ये टैबलेट एंड लिक्विड है वो यूज़ करना है। ऐसे ही आपको पता नहीं है, घर पे मम्मा नहीं है या कोई एल्डर्स नहीं है और आपको खांसी हो रही है या फिर आपको फीवर है, तो कोई भी टैबलेट है वो यूज़ नहीं करना है, बिकॉज आपको मम्मा को वेट करना है और मम्मा आके आपको बोले और डॉक्टर ने एडवाइस दे के ही आपको जो टैबलेट एंड सिरप दिया है उसको ही हमें यूज़ करना है, राइट? तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी पिक्चर्स आपको दिखाई, राइट? देखो ये सारी पिक्चर्स एक साथ में, ऐसे भी नहीं करना है, ये अनसेफ है, ऐसे फायर्स नहीं करना है, ऐसे बर्नर के पास जाके भी हमें प्ले नहीं करना है, किसी एनिमल को हमें टीज नहीं करना है और किसी पीपल को भी हमें टीज नहीं करना है। अपनी थिंग्स है वो अपनी प्लेस, ऐसी प्लेस पे ही रखनी है ताकि आप ऐसे गिर ना जाए फ्लोर पे, राइट? एंड किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर या अपने पेरेंट्स को पूछे बिना है वो यूज़ नहीं करनी है, राइट? तो हमने यहाँ पे बहुत सारा है वो लर्न किया, राइट?
तो इस तरह से आपको सारे रूल्स है वो अच्छे से फॉलो करने हैं, राइट। तो ये चैप्टर, आई होप आपको ये इंजॉय किया होगा इस चैप्टर में। हाँ, आपको यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक। वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।